हेलो एवरीबॉडी, आज हमारे सामने आप देख सकते हो ऑल न्यू 2024 MG हेक्टर 5 सीटर का ब्लैक स्टॉर्म एडिशन। तो दो तीन दिन पहले ही कार का लॉन्च हो चुका है, जो ब्लैक स्टॉर्म एडिशन है। तो आज अपने पास ये कार फिलहाल अवेलेबल हो चुकी है, ऑल थैंक्स टू MG ऑटो हाईटेक, जिसका शोरूम सिचुएटेड है सदर्न एवेन्यू में। शोरूम का जो एड्रेस है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो अगर आपको MG की कोई भी कार लेनी है, शोरूम पे आ जाना। ये है अपने MG हेक्टर, ये है हेक्टर प्लस, दोनों ही ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में है। तो सबसे पहले इसका मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है हेक्टर प्लस के ऊपर, ये भी अपने पास ब्लैक स्टॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म में एक्सक्लूसिवली क्या चेंजेस किया गया है, कार में सीटिंग ऑप्शंस क्या आपको मिल जाता है ब्लैक स्टॉर्म में, कौन से इंजन ऑप्शन एंड ट्रांसमिशन के साथ मिलता है, और फाइनली कार की प्राइस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लुक देख सकते हो कार की, जो रोड प्रेजेंस है ना भाई साहब, जिस दिन से मार्केट में लॉन्च की गई है उस दिन से बहुत तगड़ी आपको मिलती थी, आज भी मिलती है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में इतनी बड़ी कार बहुत कम कंपनीज आपको ऑफर कर रही है। आप खुद साइड से देख सकते हो कि कितनी ये लंबी कार है। ठीक है, ब्लैक स्टॉर्म में सबसे मेन जो चेंज है वो है इसका ब्लैक कलर, क्योंकि सेगमेंट में आती है इसकी हैरियर वगैरह, जिसमें ऑलरेडी डार्क एडिशन बहुत पहले से आता था। तो MG वालों ने सोचा हम भी पीछे क्यों रहे, हम भी खुद का डार्क एडिशन निकालते हैं, जो कि ब्लैक स्टॉर्म एडिशन है। इसमें भी सब कुछ ऑलमोस्ट ऑल ब्लैक कर दिया गया है। एक एक करके सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट लुक देख सकते हो, यहाँ पे इंडिकेटर आपको मिल जाता है डायनामिक फंक्शन के साथ, पीछे भी डायनेमिक फंक्शन आपको मिल जाता है, यही सेम इंडिकेटर आपका जो DRL के तौर पे भी काम करता है। लाइटिंग सेटअप की बात करें तो लो बीम, हाई बीम, फॉग लैम्प, सब कुछ आपको A to Z LED में मिलता है। हैलोजन का कोई काम नहीं है, क्योंकि प्रीमियम कार है, प्रीमियम लाइट्स होना बनता है। सामने आपके पास मिल जाता है दो दो पार्किंग सेंसर्स, चार होते तो और बढ़िया होता, बट कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्रोम का यूजेज भी आप भर भर के यहाँ पे देख सकते हो, डार्क क्रोम का यहाँ पे फिनिश है, बहुत प्रीमियम लग रही है ये क्रोम। यहाँ पे क्रोम का साइज़ बड़ा है, जितना आप नीचे आ रहे हैं उतना छोटा होता जा रहा है, जो कि रियलिटी में बहुत प्रीमियम लग रही है। और यहाँ पे जो कैमरा है फ्रंट पार्किंग 360 के लिए ब्यूटीफुली यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। ये था कार का फ्रंट लुक। आप अगर आप कार को ध्यान से देखो तो आपको वो रगेड एंड रफ एंड टफ वाली फीलिंग बेशक ना आए, बट जो प्रीमियमनेस वाली फील इसमें आएगी, दिस इज़ नेक्स्ट लेवल। सेगमेंट की सबसे ज़्यादा VIP वाली कार, जो लग्जरी फीलिंग है वो आपको यही कार प्रोवाइड करती है। साइड पे आ जाते हैं, ये है इसका व्हील, यहाँ पे भी चेंज किया गया है जो अलॉय व्हील का कलर है इसमें, ब्लैक स्टॉर्म एडिशन है इसीलिए ऑल ब्लैक ही कर दिया गया है। इवन जो ब्रेक कैलिपर्स है वो भी रेड कर दिया गया है। 215x55 R18 18 इंची का आपको मिल जाता है। लो प्रोफाइल वाले जो साइड वॉल्स है वो आपको दिया गया है। ओके, यहाँ पे भी कैमरा आपको मिल जाता है। और ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में दो चेंजेस आपको मिलने वाला है, दो एडिशंस मिलने वाला है जब आप कार की डिलीवरी लोगे। यहाँ पे आपको एक रेड इंसर्ट मिल जाएगा, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता हुआ, जो कि अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसा लग रहा होगा। और यहाँ पे एक ब्लैक स्टॉर्म का एम्ब्लेम भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एरो ट्विन वाले प्रीमियम वाइपर्स आप देख सकते हो, टर्न इंडिकेटर्स यहीं पे हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है, को पैसेंजर साइड पे भी रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बेल्ट लाइन पे भी क्रोम का यूजेज, ग्लास एरिया कार का अच्छा खासा है। जो रूफ रेल्स है ये भी आपको ऑल ब्लैक मिल जाता है। शार्क फिन एंटेना, पैनोरमिक सनरूफ, ये सब तो पहले से ही था, इसमें नया कुछ दिखाने लायक है नहीं। नया है जो रियर जो अलॉय व्हील है वो भी ऑल ब्लैक है, अगेन विद द रेड ब्रेक कैलिपर्स। प्रोफाइल वगैरह बिल्कुल सेम ही है फ्रंट की तरह। जो फ्यूल लिड है वो कार के राइट साइड पे आपको मिल जाता है। और ये देख सकते हो इसकी रियर लुक, यहाँ पे भी सिक्वेंशियल स्टाइल में मिल जाता है इंडिकेटर्स, ब्यूटीफुल से आपको मिल जाते हैं टेल लैंप्स, फिनिशिंग इसकी बहुत हकीकत में प्रीमियम आपको मिलने वाली है। इस एंगल से आप खुद देख सकते हो कि रात को आपको कैसी लगने वाली है। नंबर प्लेट की लाइट्स आपको मिल जाती है प्रीमियम LED में। हेक्टर की बोल्ड बैजिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्लैक स्टॉर्म की भी बैजिंग यहाँ पे देख सकते हो। ये वाले लाइट्स आपको मिल जाते हैं बेशक हेलोजन में, पीछे चार सेंसर्स हैं, जो एग्जॉस्ट टिप है यहाँ पे है, कैमरा भी है, और स्पेयर व्हील यहाँ पे है एक साइज छोटा, यानी कि 215x60 R17। वाइपर वॉशर डिफॉगर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, ये सब तो बेसिक चीज़ है ही। अब चलते हैं अंदर, अंदर की बातचीत देख लेते हैं कि अंदर आपको क्या मिलता है। हमने खोल दिया है इसका डोर, ऑल ब्लैक इंटीरियर है, लेकिन उससे पहले एम्बियंट लाइटिंग पे जस्ट नज़र डालो यार, कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत प्रीमियम है। रात में आपको डिस्को वाली फील 100% देने वाली है। ये सब हार्ड प्लास्टिक है, बट यहाँ से लेके ये सब कुछ आपको मिल जाता है सॉफ्ट टच लेदर में। इन्फिनिटी की बैजिंग है, क्योंकि इस कार में आपको भर भर के इन्फिनिटी के स्पीकर्स दिया गया है,
जिसकी आउटपुट सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट है। मैं आपको डोर खोल कर दिखाना लग गया, बूट स्पेस दिखाना ही भूल गया। ये देखो, इसमें आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक टेल गेट, स्विच इसका यहाँ पे है, ये हमने स्विच इसका प्रेस कर दिया, बूट खुद ब खुद खुल जाती है। जब भी बूट खुलती है आप देख सकते हो ये जो दो लाइट्स हैं एक्टिवेट हो जाती है दोनों तरफ। जो पार्सल ट्रे है इस प्रकार आपको मिल जाता है ऐसा टाइप का, ठीक है। बूट स्पेस बढ़िया आपको मिल जाता है, वाइट LED में केबिन लाइट्स हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा सब वूफर है और कुछ कभी स्पेस भी देख सकते हो, वैसे कभी नहीं कह सकते, बहुत डीप स्पेस आप मिल जाता है जो कि काफ़ी एक बढ़िया बात है। तो चलो अब फाइनली बैठ जाते हैं अंदर। यहाँ पे जो पावर विंडो के कंट्रोल्स है वो दिया गया है, ड्राइवर साइड जो पावर विंडो है वन टच अप एंड डाउन है। चाबी ही दिखाना भूल गया, देखो मैं MG का लोगो यहाँ पे है, लॉक अनलॉक और बूट खोलने का फंक्शन आपको चाबी पे ही मिल जाता है। एम्बियन लाइट कितनी प्यारी लग रही है यार। यहाँ पे ORVM को फोल्ड अनफोल्ड और एडजस्ट का फंक्शन दिया गया है। हेडलाइट लेवलर यहाँ पे है और जो क्लस्टर है अंदर का, मतलब ये जो लाइट्स उसको उसका जो ब्राइटनेस है उसको इंक्रीज डिक्रीज करने का फंक्शन यहाँ पे है, और जो टेल गेट है उसको खोलने का भी बटन डेडिकेटेड यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और ये है इसका इंटीरियर, कितनी प्रीमियम आपको लग रही है आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो भाई। सेगमेंट की सबसे ज़्यादा प्रीमियम कार यही है, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, लुक के मामले में, इवन जो टच एंड फील ऑफ मटीरियल से, क्योंकि ये सब कुछ आपको मिल जाता है सॉफ्ट टच में। ये वाला पोर्शन बेशक हार्ड प्लास्टिक आपको मिल जाता है, ग्लव बॉक्स यहाँ पे है, बाकी सब कुछ ग्लॉस ब्लैक का सराउंड भी आप देख सकते हो। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो क्रूज कंट्रोल यहाँ पे है, MID को ब्राउज करने का बटन यहाँ पे है, ऑडियो के कंट्रोल सारे आपको यहाँ मिल जाते हैं। देखो MID में क्या फंक्शंस है, 7 इंच की स्क्रीन आप देख सकते हो, इसमें जो फंक्शंस है वो है कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको प्रॉपर मिल जाता है, फिर ड्राइविंग टाइम है, ट्रिप बी है, ट्रिप ए है, डिस्टेंस टू MT वगैरह है, सब कुछ आप यहाँ पे बढ़िया तरीके से देख सकते हो। फटीक वार्निंग सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। मेन जो कार की USP है इंटीरियर की स्पेशली, वो है ये मैसिव 14 इंचेस की स्क्रीन जो कि सेगमेंट की लार्जेस्ट है। अर्थ आप यहाँ पे देख सकते हो अपना इंडिया यहाँ पे है, मैपल्स मैप माई इंडिया का जो इनबिल्ट नेविगेशन है वो इस कार में आपको देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले तो है ही, AC के फंक्शंस अभी भी आपको टच बेस्ड मिलते हैं, बट इसकी जो टच रिस्पॉन्स है पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा इंप्रूव की गई है। यहाँ पे जाओगे तो व्हीकल जो फंक्शंस है, सनरूफ आपको कितना परसेंट ओपन चाहिए, ये देखो फोकस मैं ले लेता हूँ, देखो सब कुछ आपको मिल जाता है, कितनी कन्वीनियंट चीज़ है। लैम्प है, एम्बियन लाइटिंग है, विंडो देखो, ये मैंने इसके साथ छेड़ दिया, ये कर रही है इसको बंद। सनरूफ को देखो, मैं अगर इसे फुल खोल दूँ, ओपन कर दूँ, तो देखो ये इसको खोल देगी। बढ़िया चीज़ है यार, फिलहाल इसको 20% पे रखते हैं। एम्बियन लाइट वाइट देख लिया, विंडो पे अगर हम जाए तो क्या है, रिमोट जो की है अपना, कहाँ गया चाबी, ये रहा अपना चाबी। बाहर से अगर आप अनलॉक बटन को होल्ड करके रखते हो तो जो विंडोज़ है कार की ऑटोमेटिकली रोल डाउन हो जाती है, बट लॉक दबाने पे रोल अप नहीं होती, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख लेना। फिर लॉक, टेल गेट, साइड मिरर, वाइपर, वायरलेस फोर चार्जिंग, फिर TPMS, सारे के सारे फंक्शंस आपको यहाँ मिल जाता है, जो कि काफ़ी एक हैंडी आपके लिए चीज़ बन जाती है। ऑटोमेटिक वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ये सब तो है ही कार में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए जो USB पोर्ट है टाइप ए का, यहाँ पे भी टाइप ए का पोर्ट है, बट ये फ़ोन चार्जिंग के लिए है। 360 कैमरा का व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो कैमरे की क्वालिटी कितनी क्लियर आपको लग रही है अब। पहले थोड़ा सा लैग था, ग्रीनी कैमरा था, बट अब बहुत प्रीमियम हो चुका है, वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट, इफ नॉट द बेस्ट। बहुत बढ़िया इंप्रूव यहाँ पे किया गया है, 2D व्यू ले लो, 3D व्यू ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेटिंग्स पे भी सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, मज़ा आ रहा है इसको देखने में। यहाँ पे जो गियर इंडिकेटर है वो दिया गया है, इको मोड यहाँ पे है, बाकी फ्रंट वेंटिलेटेड जो सीट्स हैं उसके कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच यहाँ पे है, जो हैजार्ड लैम्प का स्विच है यहाँ पे है, और AC को अगर आपको फुल स्पीड में चलाना है तो ये बटन आपको मिल जाता है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन यहाँ पे है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, दो जो कप होल्डर्स है वो दिया गया है, ये वाला जो कवर है ये भी काफ़ी प्रीमियम आपको लगने वाला है। ओके, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट आपको यहाँ मिल जाता है, देख सकते हो शोर कुछ ज़्यादा ये मचा रहा है, बट स्टोरेज स्पेस इसमें आपको डिसेंट सा मिल जाता है।
तो ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे सॉर्टेड है। और ये सेंट्रल कंसोल कितना ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर मैं ये MG का लोगो ढक दूँ ना, मतलब कोई भी बेवकूफ़ बन सकता है जिसको उतना ज़्यादा कार का नॉलेज नहीं है। कोई भी समझ सकता है कि ये कोई लग्जरी ब्रांड की कार है, मतलब BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ भी समझ सकता है अगर मैं इस एंगल से किसी को फ़ोटो दिखाऊँ। इलेक्ट्रोक्रॉमिक मिरर यहाँ पर मिल जाता है, केबिन लाइट्स आपको मिल जाता है, ऑल LED में यहाँ पर भी मिरर है विथ LED लाइट, सेम इज़ द केस ऑन दिस साइड टू। ओके, सनग्लास होल्डर यहाँ पे है और जो सनरूफ के कंट्रोल्स तो है ही, इवन जो सन ब्लाइंड्स है इसको भी बंद करने का फंक्शन आपको डेडिकेटेड मिल जाता है। ठीक है, इसको पूरा खोल देते हैं और फटाफट हम चलते हैं पीछे, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। ब्लैक स्टॉर्म एडिशन है तो यहाँ पे भी ब्लैक स्टॉर्म की बैजिंग आप देख सकते हो। ओके, सीट्स पे सीट कंफर्ट की बात करें तो ये थाई सपोर्ट का एक्सटेंशन दिया गया है जिससे कि अंडर थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट सीट्स है, तो शॉर्ट राइड्स के लिए बहुत कंफर्टेबल आपके लिए ये सीट्स होने वाली है। प्रॉपर डेड पेडल यहाँ पे है, तो सामने की जो सीट है बिल्कुल मेरे ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से सेट है। बोनेट मेरे को अच्छा खासा व्यू यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं चलता हूँ फटाफट पीछे और पीछे का जो स्पेस वगैरह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो, गुड बाय कार ने हमको कर दिया है। ये भी देख सकते हो कि वाइट कलर में आपको जो रिवर्स लैंप है वो देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये हो गया है इसका डोर ओपनिंग, देख सकते हो ये भी डिसेंट्स आपको मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली कोई सनशेड्स यहाँ पे नहीं है, बाकी इन्फिनिटी के अगेन ट्विटर्स है, स्पीकर्स है, सॉफ्ट टच एलिमेंट्स यहाँ पे है, पावर विंडो का स्विच है, बॉटल होल्डर यहाँ पे है, MG की जो स्कफ प्लेट है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी ये है रियर स्पेस विच इज़ एब्सोल्यूटली फेनोमिनल। आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि कितना सारा मेरे पास नी रूम है, बिल्कुल कतई मैं फैल के बैठा हूँ। लेग रूम भी भरपूर है, नी रूम के तो क्या ही कहने। यहाँ पे मैगजीन होल्डर भी आप देख सकते हो, फिर फ्लोर है टोटल फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट नहीं, 100% फ्लैट, 1% का भी हम्प नहीं है। यकीन नहीं हो रहा ना, देखो इस एंगल से, अब यकीन हो गया ना। दो AC वेंट है, फ़ोन रखने का स्पेस है, अंडर थाई सपोर्ट गजब की आपको यहाँ पे मिल जाती है, सीट कंफर्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगेन आर्मरेस्ट है दो कप होल्डर के साथ, तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बीच के पैसेंजर के लिए भी हेडरेस्ट दिया गया जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे बीच के पैसेंजर के लिए 3-pointer सीट बेल्ट भी आप देख सकते हो, इवन जो आइसोफिक्स माउंट्स है ये भी दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये वाला जो सीट है इस प्रकार हम इसको रिक्लाइन वगैरह भी कर सकते हैं जो कि बहुत कंफर्टेबल आपको एक पोजीशन देने वाली है। पीछे अगर आप बैठते हो तो इसकी जो रिक्लाइन एंगल है मेरे को बहुत बढ़िया लगी। ठीक है, आप खुद एंगल देख सकते हो, बहुत कंफर्टेबल है। हेडरूम की बात करें तो 6 feet मेरी हाइट है, आप खुद देख सकते हो हेडरूम भी मेरे पास अच्छा खासा यहाँ पे अवेलेबल है। ये है सेकेंड रो से कुछ इंटीरियर, सनरूफ का व्यू आप खुद देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त लग रही है, LED लैम्प है, फिर हैंडल है, हुक है दोनों तरफ। यही था कुछ माहौल, अब मैं आपको प्राइस बता देता हूँ और कौन से इंजन ऑप्शंस के साथ ये आता है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप MG हेक्टर या फिर हेक्टर प्लस का ब्लैक स्टॉर्म एडिशन लेने का प्लान बना रहे हो, क्योंकि हेक्टर और हेक्टर प्लस बेसिकली मैकेनिकली सेम है, जस्ट सीट का फ़र्क है, ये 5-seater है, उसमें आपको 6 और 7-seater का कॉन्फिगरेशन मिल जाता है। ठीक है, तो आपको इंजन ऑप्शंस मिलते हैं दो, एक है टर्बो पेट्रोल, एक है डीजल। टर्बो पेट्रोल आपको 1.5 लीटर का मिल जाता है जो कि पावर निकाल के देता है 143 PS, टॉर्क उसका है 250 Nm। जो डीजल इंजन है वो आपको 2 लीटर का मिल जाता है, पावर आउटपुट उसका है 170 PS और टॉर्क उसका है 350 Nm। पेट्रोल लेते हो तो ब्लैक स्टॉर्म के साथ आपको मैनुअल नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सिर्फ CVT। डीजल लेते हो तो ब्लैक स्टॉर्म के साथ आपको कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलेगा, मिलेगा सिर्फ मैनुअल। तो इन चीज़ का आप ध्यान रख लेना। ये जो पर्टिकुलर अपने पास वेरिएंट है ब्लैक MG हेक्टर 5-seater ब्लैक स्टॉर्म पेट्रोल CVT, इसकी एक शोरूम कीमत है 21,25,000 रुपीज़। बाकी जो वेरिएंट है ब्लैक स्टॉर्म के, चाहे आप डीजल की बात करो, 6-7-seater ऑप्शंस की बात करो, सारा का सारा जो प्राइस है आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, सारे प्राइस है एक शोरूम। तो यही था वीडियो, आप लोग बताओ आपको MG हेक्टर का ब्लैक स्टॉर्म एडिशन कैसा लगा। मेरी वर्डिट की बात करें तो अगर आपको एक ब्लैक कलर की कार चाहिए जो कि सेगमेंट की सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीट्स इसकी बहुत कंफर्टेबल हैं, राइड क्वालिटी इस कार की बेस्ट है सेगमेंट की, क्योंकि इसकी सस्पेंशन है कंफर्ट के तौर पे ट्यून किया गया है, तो उस हिसाब से बहुत प्रीमियम है। और जो फीचर्स ये ऑफर कर रही है और ये VIP वाली लुक, तो
इन क्राइटेरियाज को ये कार 100% फुलफिल कर रही है, चाहे ये ले लो जितनी सीट्स की आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। तो यही था वीडियो, आप लोग बताओ कोई वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। एमजी की कोई भी कार लेनी है तो ऑटो हाईटेक पे आ जाना, शोरूम का एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और इतना तक अगर वीडियो देख लिया है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।